हैप्पी करवा चौथ सभी बहनों को दिल से करती हूँ मैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ फ्रेंड्स, आप बताइएगा कैसे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो ब्लॉग स्टार्ट मैंने कर ही लिया है ना। तो फ्रेंड्स, डेट थी 13 अक्टूबर, बट जो है ये ब्लॉग गाइज जाएगा 15 अक्टूबर को। तो आज ही मैं एडिट कर रही हूँ, तो क्योंकि आपको पता है फास्ट वगैरह इतने थे फ्रेंड्स, मतलब फास्ट में कुछ करने का मन नहीं होता है। फिर गाइज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो गाइज मैंने पहले जो है अपना कथा वगैरह मतलब कहानी सुन के मैं आ गई थी, और ज़्यादा वगैरह शूट नहीं किया है क्योंकि पड़ोस में ही पहले मैंने अपने घर में जो थी जितनी मेरी पड़ोसन थी सारी सबको मेरे घर में आई थी, बट अब की थोड़ी तबीयत ख़राब थी इस वजह से मैं पड़ोस के घर में ही चली गई थी, वहीं पर मतलब कहानी सुनने के लिए। और मेरी भाभी आई हैं, उनको ज़रूर मिलाऊंगी आपसे। तो अभी मेरी भाभी मेरे साथ ही मतलब हेल्प करवा रही हैं यहाँ पर। तो गाइस मैंने ड्रेस जो अपनी चेंज कर ली है, तो मैंने साड़ी नहीं पहनी है फ्रेंड्स, मैंने गाउन ही हस्बैंड लेकर के आए थे, क्योंकि न्यू कपड़ा पहना जाता है वैसे तो ज़्यादा अगर अच्छा मानते हैं तो जो शादी का लहंगा या कोई भी साड़ी होती है वो पहनना मुझे शुभ लगता है, अच्छा लगता है। वैसे तो आजकल मॉडल हो गए हैं ना सब, तो शादी की चीज़ कोई पहनना पसंद नहीं करता है। अभी बना रही हूँ फ्रेंड्स मैं खाना। खाने में बना रही हूँ मूंग की दाल के दही भल्ले और छोले, वो तो आम है ही, और खाली सब्जी। और भाभी की बेटी रोने लगी है तो वो लेने लगी। तो चलिए भी देखिए पूरा किचन ख्याल रखा गया। तो मैंने ड्रेस ना चेंज कर दी थी, बहुत ज़्यादा चुभ रहा था मेरा गाउन, वो मैंने दिखा दी। और आज मैंने इतने बड़े से इयररिंग कर ले, देखिए बहुत बड़े बड़े हो गए ना भाई, एकदम बड़े बड़े से पहनी। और देखिए ये भी निकल गई है पहले, क्योंकि लाइट आजकल गए ना बहुत कम आ रही है, लाइट ना जा रही है और आ रही है बारिश की वजह से। तो मैंने सोचा पहले ना फटाफट से ग्राइंड कर लेती हूँ उनकी दाल को। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको। तो मैं अभी आपको बता रही थी कि मैंने खाने में जो है अपना वो छोले भिगा दिए थे मैंने रात को, गाइस भिगाना भूल गई थी मैं, तो मैंने ना फिर गाइस दोपहर को ही भिगा दिए थे, मतलब वही 12-1 बजे भिगा दिए थे, बट थोड़ा सा हाँ कि अच्छे बने थे। तो यहाँ पर बस थोड़ा मैं तैयार हो गई, और खाने में मैंने बनाया था गाइस छोले की सब्ज़ी, भटूरे और मिक्स सब्ज़ी और दही भल्ले होते हैं ना वो बनाए थे मैंने मूँग की दाल के, ज़्यादा मतलब आप शेयर नहीं कर पाई हूँ फ्रेंड्स, आई एम सॉरी। तो तबीयत भी ठीक नहीं थी इस वजह से कुछ मतलब मन नहीं हो रहा था करने का। और गाइस हाँ, मेरा वीडियो क्यों नहीं आया है 8-10 दिन, वो रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ कर लेते हैं। हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा मतलब पूजा बहुत अच्छे से करते हैं, और देखिए करनी चाहिए, कोई भी पूजा हो दिल से करनी चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं पूजा के लिए भी ज़्यादा नहीं 3-4 भटूरे कर लूँगी, भाभी भी कर लेंगी पूजा संग में बैठ के, और मैं भी कर लूँगी बस। और देखिए आज चाँद ना इतनी जल्दी निकले हैं, बहुत जल्दी चाँद निकल करके आ गए हैं, और पिछली बार तो मतलब 11-12 बजे तक निकले भी नहीं थे, सब परेशान हो गई थी क्योंकि बारिश हुई थी ना, इस वजह से दिखे भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। बट डर अब भी लग रहा था कि बारिश ना हुए, तो बारिश अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए बाल मतलब हेयर स्टाइल भी ख़राब हो चुका है। तो गाइस ज़रूर बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और दिल से बनाया मैंने आज का वीडियो अपना, बट दिल से मैं सारे वीडियो बनाती हूँ, तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अभी जो है मैंने बना लिया है खाना, और मैंने भटूरे बना दिए हैं, और बाकी आटा मैंने रखा है, और मैंने दूध बॉइल करने में रख दिया है, और बाकी मैंने इधर खाना पूरा अपना फिर है। अगर चाँद निकल के आ गया है तो पूजा वगैरह कर लेंगे, बाकी ड्रेस मैंने यही पहनी हुई है, और कैसे ज़रूर बताना, क्योंकि साड़ी मैंने नहीं पहनी थी। आप मेरी आवाज़ से लगा सकते हैं कि मेरी कितनी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने गाउन नहीं पहन लिया है, और लहंगा भी था, साड़ी भी थी, साड़ी भी लेकर गई थी, बट मैंने साथ शेयर नहीं किया है, तो है। और देखिए एक ना लड़ी भी टूट गई है इसकी, पता नहीं मैं जोर जोर से ना कुछ कर रही थी तो ये टूट गई। तो चलिए अभी फिनिश हो गया पूजा का, थोड़ा सा करते हैं। और अभी देखिए मैंने बंद भी नहीं किया है, आके इसको बंद करूँगी, दूध जब बॉयल हो जाएगा। और अभी कर रहे हैं हस्बैंड पूजा की तैयारियाँ, तो बस मैं भी थोड़ा बाल बाल बना लेती हूँ, और चलते हैं छत पे देखते हैं चाँद निकल रहा है या नहीं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी कर रहे हैं हस्बैंड पूजा, देख लीजिए
देखते हैं चांद निकल के आया है कि नहीं। घर से निकलता है चांद, यहाँ से जो पहाड़ है ना वहाँ से निकलता है। वैसे निकल गया है और मतलब पटाखे पटक रहे हैं वो, तो ये लाइट नहीं है तो अजीब सा लग रहा है। भाभी सो गई, ये लो भाभी सो भी गई, दिखा दूँ ऐसी। बस बना दिया मैंने, बस सब पूजा कर लेंगे और फिर आराम से खा लेंगे खाना पीना जो भी है। अभी चल के देख के आते हैं ऊपर, दिखाते हैं चंद्रमा जी के दर्शन। पिछली करवा चौथ का तो हुए नहीं थे, अब की बार कितने अच्छे से हुए हैं, तो फटाफट चलते पूजा करती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो अभी किचन का निपटा के आ गई हूँ, पूरा काम मतलब पूरा फिनिश तो नहीं किया है बट अभी बाद में करूँगी, क्योंकि जो पूजा के लिए खाना वगैरह बनाया था ना वही मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने पूजा के लिए कर दिया है। बाय ने भी निकाल के रख दिया है गाइस। बाय ने में जैसा आप सभी को पता है बहुत लोग मतलब अगर बताऊँ तो बहुत विधि विधान से किया जाता है, बट जैसे मेरे यहाँ होता है, मम्मी के यहाँ, सास के यहाँ होता है, मैं वैसे ही करती हूँ। ज़्यादा मतलब इतना मुझे पूजा करनी नहीं आती है, और हस्बैंड बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह मतलब दिल से करते हैं, जो भी करते हैं छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो तो वो अच्छे से करते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर आज बहुत मतलब मेहर कर दी है हमारे चंद्रमा जी ने हमारे लिए, सभी बहनों के लिए, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि पहले मतलब बारिश इतनी हुई थी ना पिछली करवा चौथ को, मतलब 11-12 बज गए थे, बट चंद्रमा जी ने दर्शन नहीं दिया था। तो चलिए आपके शुक्र है कि दर्शन जल्दी 8 बजे यहाँ पर दे दिए थे। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर चंद्रमा जी की भी पूजा कर लेते हैं और हस्बैंड जी की भी आरती वगैरह कर लेते हैं। तो देखिए आज तो सब कुछ मानना पड़ेगा है ना, तो यहाँ पर चलिए चंद्रमा जी की पूजा कर लेते हैं। और गाइस ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है, और दिल से बनाया मैंने ये वाला अपना वीडियो, मतलब दिल से सारे बनाती हूँ पर कुछ ज़्यादा इसमें मैंने अपने दिल से बनाया वीडियो। गाइस पता मेरे मन में थोड़ा अक्सर हमेशा जब मेरी करवा चौथ का व्रत रखती हूँ तो मुझे रोना इसलिए आता है क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गाइस बीमार रहते हैं। तो प्लीज़ विश कीजिएगा और ढेर ढेर सारी बधाई दीजिएगा मेरे लिए, हर साल ये साल हर साल आता रहे अपने हस्बैंड के साथ में, हर साल ये व्रत करती रहूं। आप सभी दुआएं कीजिएगा और ये देख लीजिएगा, और एडिटिंग भी ज़रूर बताना कैसी की है मैंने फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं आजकल मुझे ना फीवर और मतलब मुझे ना कोल्ड ज़्यादा हो रहा था, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहने लग गया, इस वजह से मुझे ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इधर गाइज मेरी भाभी हैं, भाभी भी पूजा कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाभी साथ में है। तो चलिए टीका वगैरह लगा लेते हैं और जैसे मुझे पूजा आती है फ्रेंड्स वैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बोला ना आपको मुझे ज़्यादा पूजा वगैरह नहीं आती है इतना, अगर हाँ घर में भी कोई त्यौहार वगैरह करती हूँ तो मतलब कभी जेठानी से कभी ननद से बूझ बूझ के कर लेती हूँ, मतलब जैसे जो काम हम पे नहीं आता अपने बड़ों से हमेशा मतलब राय लेनी चाहिए बूझना चाहिए। तो चलिए हस्बैंड जी के चरण स्पर्श कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं है ना। बस यहाँ पर हस्बैंड जी मेरा व्रत खुलवा देंगे और यहाँ पर कर लिए हमने पूजा वगैरह। तो गाइस हाँ मैंने ना इस ड्रेस में गाउन में अपनी रील बनाई है, कोई जाके ज़रूर जाके फॉलो कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको रील्स भी। और मेरी इंस्टा आईडी है रिंकी देवी है 31 पर जाकर ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा। और चलिए थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी कर लेते हैं यहाँ पर, और ये भैया भाभी है तो मैं थोड़ा मजाक कर रही थी भैया भाभी के साथ में भी, तो ये देख लीजिएगा। और काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था आज मुझे बहुत अच्छा लगा सभी के साथ में मिलके, दिख लीजिएगा। और मैं शिव परिवार से यही कहूँगी, अपनी गौरा माता शिव जी से, हर बहनों के लिए ये पल आता रहे और इस पल का सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, सभी के लिए मैं यही मनोकामना भगवान जी से कहूँगी कि पूरी करें सभी की। और मेरा ज़रूर बताना मेरा लुक कैसा लगा आप सभी को, वैसे आपको पता ज़्यादा फैशन वगैरह नहीं करती हूँ। तो चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय बाय।